वक्त के साथ साथ कुछ बेहतरियां हुई हैं, कुछ नई चीज़ें सीखी हैं और हैदरी अखाड़े को दिए हैं नए रंग। तो आइए इन रंगों को देखने के लिए जुड़े रहिए आज की वीडियो के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, किटें हमारी बन चुकी हैं, हम तक पहुंच चुकी हैं किटें। तो अब हम जाएंगे अखाड़े पर। हैदरी अखाड़े पर जाने के बाद ये किटें लड़कों को देंगे और फिर वहाँ पर इंजॉय करेंगे आज की वर्कआउट और वर्जिश वगैरह को। तो आइए चलते हैं अखाड़े की जानब। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह सुबह का पुरफजा माहौल और यह हैदरी अखाड़ा जो कि काफ़ी कुछ नया सिखा रहा है और काफ़ी कुछ नया दिखा रहा है। तो आज भी हम काफ़ी कुछ सीखेंगे हैदरी अखाड़े में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ नईम खालिद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लड़कों ने मिलकर अपनी मदद आपके तहत हैदरी अखाड़े के लिए बहुत खूबसूरत किटें और शर्टें बनवाई हैं। इंशाल्लाह आज वो सब लड़कों को तकसीम की जाएंगी और यहाँ पर आज के वर्कआउट को एंजॉय किया जाएगा। तो जैसे जैसे लड़के आते जाते हैं किटें यहाँ पर आ गई हैं, हम उनको ये किटें तकसीम करेंगे और फिर एंजॉय करेंगे अपना आज का वर्कआउट। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जब तक लड़के इकट्ठे होते हैं, लड़कों के आने तक हम अपना वर्कआउट मुकम्मल करते हैं और साथ कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह हैदरी अखाड़ा यहाँ का वर्कआउट, यहाँ की वर्जिश, यहाँ की प्रैक्टिस काफ़ी कुछ हमें नया सिखा कर जा रही है। तो आइए आज का वर्कआउट करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले वर्कआउट के बाद हमने सीखा है एक दरख्त के ऊपर अपने जिस्म को बैलेंस करना, फिर उसके बाद बैक फ्लिप सीखेंगे और बैक फ्लिप के लिए अबू जान की मदद लेना होगी। अबू जान मुझे सिखाएंगे बैक फ्लिप कैसे करना है। तो ये अकेले करने से ग्रेज करें और उसके बाद अगर आपको इसको ट्राई करना है तो उसके लिए आपको पहले काफ़ी ज़्यादा वर्जिश और एक्सरसाइज करके अपने जिस्म को फिट बनाकर फिर दो तीन ट्राइयां लेकर आप इसको सीख सकते हैं आसानी के साथ, और साथ किसी का साथ लाजमी लेना चाहिए इस तरह की एक्सरसाइज करने के लिए। तो अबू जान ने काफ़ी अच्छा साथ दिया और हमें सिखाया है बैक फ्लिप करना। तो जैसे जैसे हमारा वर्कआउट मुकम्मल होता जाता है वैसे वैसे लड़के काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। तो सभी अपना वर्कआउट मुकम्मल करने के बाद आगे बढ़ेंगे और किटें यानी शर्टें तकसीम करेंगे सभी लड़कों में। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। इसके बाद जी अजीम कमांडो ज़हीर। एक नंबर ताज मोचल कोचा माशाल्लाह जी सर्दी आ गई जी वाली शेरो वाओ अरशद एंड चुवाला। पोत्रा रखे दा जी तो लड़के नई किटें पाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और साथ साथ अपनी तस्वीरों की तैयारी करते हुए कि नई किट में, नई शर्ट में तस्वीरें बनाई जाएं।
एक ग्रो फोटो भी बनाएंगे हम हैदरी अखाड़े का यादगार ग्रो फोटो। तो आइए बढ़ते हैं तस्वीरों की जानब। तस्वीरों का कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि खूबसूरत किटें शर्टें सभी लड़कों को मिल गई हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपनी मदद आपके तहत, इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, किसी की मदद नहीं, सब ने अपनी मदद आपके तहत सब ने ये किटें तैयार करवाई हैं। तो सबको हमने तकसीम कर दी हैं, बहुत खुश हुए हैं सभी लड़के। एक खूबसूरत किस्म की शर्ट सबको मिल गई है। तो इस सब का मकसद ये था कि सभी लड़कों को इस चीज़ का शौक पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इस तरफ आएँ। तो जितने भी लड़के आए हुए थे उन सबको समझाया है कि यार यहाँ पर आया करो, यहाँ पर टाइम दिया करो, अपनी सेहत का तंदुरुस्ती का ख्याल रखो। तो काफ़ी लड़के एग्री हैं, इंशाल्लाह वो भी ज्वाइन करेंगे अखाड़े को। तो 25 से 27 शर्टें हैं जो हमने तैयार करवाई हैं। तो उनमें से कम 15-20 लड़के भी इस साइड को आएँगे। तो सबको शौक पड़ेगा, वो अपना सेहत का ख्याल रखेंगे, फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और इस मोबाइल के दौर में अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। यही हमारे लिए काफ़ी है और यही हमारा मकसद है। तो आप सबके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने सामान में रखे, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। दुआओं में याद रखिएगा, आज तक के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।